वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2023 तक, यानी कि सुबह आपको डेली 6:30 पर लाइव क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास का रिवाइज आपको करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर के दिन आज अपने बनाएंगे दीपावली पर्व का बढ़िया तरीके से त्योहार। तो सभी साथियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से आपने अध्ययन किया होगा, लेकिन आज अपने आज और कल दो दिनों के लिए इस त्योहार पर अपने जो है दिमाग जितना भी आपने कुछ पढ़ा है उसको अपने रिलैक्स कीजिए आप। उसके बाद में आप पूरे जोश के साथ एक बार फिर से अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए, क्योंकि ये दो दिन आपके परिवार के साथ महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपने परिवार के साथ रहिए, आनंद उठाएं और अपने मौज मस्ती दो दिन करें, ताकि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा रेस्ट मिल सके और उसके बाद में पूरा आपका जो जोश है पूरे जोश के साथ एक बार फिर से अपनी आप पढ़ाई के साथ निरंतर अध्ययन कर सकते हो। तो आज दीपावली पर्व का त्योहार है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को बड़ी शानदार तरीके से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करें। और इसी के अवसर पर आपको 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर, और ये दीपावली हैप्पी दीपावली पर स्पेशल आपके लिए ऑफर है। ये सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर, और ये 10 नवंबर से स्टार्ट है और 14 नवंबर रात की 12 बजे तक आपके लिए ऑफर रहेगा। और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप फोन भी कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपके लिए टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। अब कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है, एक आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है, लगातार आपको इसमें भी टेस्ट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है सीएटी सीटेट एग्जाम और रीट लेवल सेकंड के लिए एनसीईआरटी बुक आधारित आपके लिए सामाजिक अध्ययन की कक्षा 6 से एनसीईआरटी की बुकें स्टार्ट कर दी गई है। ये भी आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई और इसकी यूट्यूब पर भी आपको व्याख्या मिल चुकी है। और टेस्ट के अंदर आपको क्या, इसमें नीचे आपको सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, ताकि आपकी बढ़िया तरीके से है वो एनसीईआरटी बुक्स है वो 6 से 10 तक लेकर तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा गुजरात के अंदर। कहां पर स्थापित होगा? गुजरात के अंदर स्थापित होगा। हाल में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। किसको चुना गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना गया है। तो कल आपको पता है, कल अपनी जो सुबह अपनी करंट की क्लास मिलती है उस क्लास के अंदर आपको जो क्लास आपको नहीं मिलेगी, कल के लिए क्लास आपके लिए ऑफ है रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? ये किया है कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु में। वित्त मंत्री ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने किया है किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया, और ये उन्होंने किया है कहां पर है? श्रीलंका के अंदर। कहां पर किया है? श्रीलंका में। अश्विनी कुमार चौबे ने किस शहर में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 मानक संवाद का आरंभ 2023 का उद्घाटन किया, और ये किया है उन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया है? किसने? हमारे जल और ये परिवहन मंत्री हैं। कौन है? ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो जल मार्ग और नौपहन परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल है। उन्होंने क्या है, कहां पर है? उन्होंने मुंबई के अंदर क्या है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया है। भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। हाल में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आपको सभी को पता है
राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग जिले के निवासी हैं। कौन है? हीरा लाल समरिया। तो ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। किस देश ने चौथी बार रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश ने चौथी बार रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता? और ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितने वर्ष की वृद्धि की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंदर 5 वर्ष की वृद्धि कर दी, यानी कि इसमें क्या है 5 साल का इस योजना में विस्तार किया है। हाल में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अपने जो आरबीआई के कौन है, आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास, उनको क्या है चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत, तो विध्वंसक पोत है सूरत का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कहां पर है, ये किया गया है गुजरात के अंदर। तो सूरत कहां पर है? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट यानी कि इनफ्यूज मिशन में एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा के द्वारा किया है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इनफ्यूज मिशन में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। एडग्लिव हुरोन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? परोपकार सूची का मतलब सबसे दान, जो दान करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? तो वो है शिव नादर। कौन है? शिव नादर। क्या है जो अमीर, आपको बताया सबसे अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति के बाद में इनका नंबर आता है, तीसरे या चौथे ये अमीर व्यक्ति है, और ये सबसे ज्यादा इन्होंने दान करने वाले यानी कि परोपकार सूची के अंदर ये सबसे टॉप है। कौन है? शिव नादर। हाल में कॉलिंस डिस्क्री ने 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो ये किया है एआई को। किसको किया है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कॉलिंस डिस्क्री ने एआई 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। 6 नवंबर 2023 को 483 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है कौन सा, ये है आपको पता है कौन है, नई दिल्ली। कितने अंकों के साथ? 483 इसमें रैंकिंग आई है, और इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत का सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। 2023 मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में कार्यस्थल पर बर्नआउट के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? तो कार्यस्थल पर है बर्नआउट के मामले में कौन सा देश अग्रणी है, और वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश है भारत। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर व्याख्यान के साथ किस शहर में संपन्न हुआ है? तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 ये क्या है, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में एक सुरक्षा चुनौतियों पर व्याख्यान के साथ किस शहर में संपन्न हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। हाल में झारखंड में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो झारखंड के अंदर आयोजित हुई थी महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, और इसकी विजेता टीम है कौन है, अपनी भारतीय टीम। तो इसने भारत जो इसका विजेता टीम रहा है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सुल्तान जोहर कप में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा पदक जीता है? भारतीय जूनियर हॉकी टीम को सुल्तान जोहर कप में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। किस देश ने परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बी से न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है रूस देश ने। किसने किया है? रूस देश ने किया है परमाणु ईंधन वाली पनडुब्बी से न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जो बिम्सटेक के महासचिव का पदभार संभाला है? ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जो बिम्सटेक के महासचिव का पदभार संभाला? और वो है इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? इंद्रमणि पांडे। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख कौन बन चुकी है? तो हाल ही में दुनिया की जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई कौन है, यह है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए कौन सा पदक दिया गया? तो ये दिया गया है कांस्य पदक। किसको? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को क्या है?
देश के अंदर जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए उनको कांस्य पदक दिया जा चुका है। हाल में पहली यूएसए नेशनल गतका चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? हाल ही में पहली यूएसए नेशनल गतका चैंपियनशिप किस देश ने जीती? और यह जीती है न्यूयॉर्क ने। किसने जीती है? न्यूयॉर्क ने जीती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए और वो है श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। कौन है? श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है गुजरात के अंदर। कहां पर हुई है? ये एनटीपीसी की एक नई योजना है। कौन सी? दया पार पवन परियोजना, और इसकी शुरुआत हो चुकी है गुजरात के अंदर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपना नया जो कार्यकारी नियुक्त कर दिया, किसको? ये किया है मनोरंजन मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया है? मनोरंजन मिश्रा को। हाल ही में जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल अभियान किसने लॉन्च किया है? तो जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान लॉन्च किया है आवास और शहरी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? आवास और शहरी मंत्रालय ने। हाल में दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको सभी को पता है 37वें राष्ट्रीय खेल हुए गोवा के अंदर और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने पदक जीते हैं। इसके अंदर दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, इनका संबंध है तीरंदाज की खिलाड़ी। हाँ, की खिलाड़ी है, किस खेल की? तीरंदाज की खिलाड़ी। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कर्मचारियों की भलाई ग्लोबल रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा? इसके अंदर तुर्की का पहला स्थान है और अपने देश भारत का दूसरा स्थान है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया चिली। कौन सा देश बना है? चिली देश बन चुका है। हाल में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है यूएनडीपी ने। यूएनडीपी का मतलब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इसने अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी की। तंजानिया के एक द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना है। कहां पर है? तंजानिया के एक द्वीप पर, और वो बन चुका है आईआईटी मद्रास। कौन सा बन चुका है? आईआईटी मद्रास। हाल में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन चुका है? तो 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया और वह है मुंद्रा बंदरगाह है। कौन सा? मुंद्रा बंदरगाह है, बन चुका है। हाल में किसने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? हाल ही में किसने फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता? और ये जीता है, आपको पता है किसने? ये जीता है विदित गुजराती और आर विशाली ने। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल में किसने ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किस मंत्रालय ने स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है? किस मंत्रालय ने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली हस्ताक्षर अभियान शुरू किया? और ये किया है, आपको पता है किसने? ये किया आवास और शहरी मंत्रालय ने। तो आपको सभी को पता भी, 2 दिनों के लिए, आज और कल 2 दिनों के लिए बड़ा अच्छा त्यौहार है दीपावली का, तो ये अभियान भी शुरू किया गया है। किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है? ये स्थापित किया है आईआईटी कानपुर ने। किसने स्थापित किया है? आईआईटी कानपुर ने। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में पशुपालन और डेयरी विभाग के खेमे का उद्घाटन किया? ये किया है कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। किसने? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर उन्होंने किया है पशुपालन और डेयरी विभाग के खेमे का उद्घाटन किया है। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की 7 नवंबर 2023 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन और इनको 7 नवंबर 2023 को कौन सी जयंती मनाई गई? 135वीं जयंती। कौन सी मनाई गई? 135वीं जयंती। किस टेनिस खिलाड़ी ने WTA फाइनल्स का टाइटल अपने नाम किया है? किस टेनिस खिलाड़ी ने
WTA फाइनल्स का टाइटल अपने नाम किया और वो किया इग्गा स्विस्टिक ने। ऑप्शन नंबर सी किसने किया है? इग्गा स्विस्टिक ने। केंद्र सरकार ने किस देश के साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलुफू प्रारंभ करेगा? तो ये कोकराझार है असम के अंदर और ये गेलुफू है भूटान के अंदर। तो केंद्र सरकार ने क्या है, भूटान देश के साथ पहला रेल लिंक है ये कोकराझार गेलुफू प्रारंभ करेगा। किसके साथ है? भूटान के साथ। किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई के अंदर संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया और ये किया गया आपको पता है वी चंद्रशेखर को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया है? वी चंद्रशेखर को। हाल ही में भारत के नए महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत के नए महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया हितेश कुमार को। किसको किया गया है? हितेश कुमार को। कौन से भारतीय बल्लेबाज आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन पायदान पर पहुंच चुके हैं? तो आपको सभी को पता है एक सलामी भारतीय बल्लेबाज हैं जिनका नाम है शुभम गिल और ये आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर वन पायदान पर है पहुंच चुके हैं। कौन है? शुभम गिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का अनावरण किया है? ये किया है उन्होंने गुजरात के अंदर किया है 12 क्षेत्रों यानी कि जैसे सूरत है, जामनगर है, वडोदरा है, आपको सभी को पता है वहां पर क्या है अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन विश्व रैंकिंग में टॉप 50 खिलाड़ियों में जगह बनाई और वो बनाई है किसने? मनिका बत्रा ने। ऑप्शन नंबर एक किसने? मनिका बत्रा ने। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए हैं? तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए हैं चीन देश से। किस देश से प्राप्त हुए हैं? चीन देश से प्राप्त हुए हैं। क्यूएस द्वारा 2024 विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है? तो ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी। तो ये पेकिंग यूनिवर्सिटी है चीन के अंदर। ये अभी ताजा रिपोर्ट आई है क्यूएस द्वारा 2024, इसके अंदर टॉप 50 में अपने मुंबई सबसे टॉप पर है, उसके बाद नई दिल्ली का स्थान आता है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन बाजार 2023 लंदन में भाग लिया, इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 6 से 8 नवंबर में। कब से? 6 से लेकर 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। हाल में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में किसने पदभार संभाला है? हाल में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसने इसके अंदर पदभार संभाला? यह संभाला है संतोष कुमार झा ने। किसने संभाला है? संतोष कुमार झा ने। भारत बोटेनिक्स किस राज्य में वुड फ्रेशड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है? तो ये खोली है गुजरात के अंदर। कहां पर है? भारत बोटेनिक्स एक कंपनी है, उसने क्या गुजरात के अंदर वुड प्रेसड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर 2023 का खिताब जीता और ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? आपको पता है दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच है और उन्होंने क्या है पेरिस मास्टर 2023 का खिताब है जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। कितने पदक जीते? 228 पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते? 80 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 4 से 22 दिसंबर तक। कब से? 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर तक है संसद का शीतकालीन सत्र है चलेगा, क्योंकि आगामी अभी लोकसभा चुनाव होगी ना, अभी तो अपने विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में और आगे 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे। कौन सा देश अडानी स्पोर्ट्स के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो ये करेगा अमेरिका देश। कौन सा करेगा? अमेरिका देश है ना, वो क्या करेगा कि जो अडानी पोर्ट्स है ना उसमें क्या है श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा। किस आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया है एन श्रीकांत को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया? एन श्रीकांत को क्या है केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? यूनाइटेड किंगडम का मतलब है ब्रिटेन देश है, वो किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो वो जोड़ेगा अपने देश भारत को। किसको जोड़ेगा? अपने देश भारत को। दुनिया का पहला एआई ह्यूमन
लाइक रोबोट सीओ किसे नियुक्त किया है? तो दुनिया का पहला एआई ह्यूमन है लाइक रोबोट सीओ किसे नियुक्त किया? ये किया है मिक्का को। किसको नियुक्त किया है? मिक्का को नियुक्त किया है। किस संगठन का कार्गो ड्रैगन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने 29वें मिशन की शुरुआत की है? किस संगठन का कार्गो ड्रैगन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने 29वें मिशन की शुरुआत की? और यह है स्पेस एक्स का। किसका है ये कार्गो ड्रैगन है? यह है स्पेस एक्स का। हाल में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? किसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? तो हमारे वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने क्या है सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा समर्पित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल का अनावरण किया है? ये किया है ऊर्जा मंत्रालय ने। किसने किया है? ऊर्जा मंत्रालय ने किया है। कि समर्पित कॉरपोरेट है सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पोर्टल का अनावरण किया है। तो ये आज संडे था, आज संडे के दिन आपको मैंने करंट का रिवाइज करवा दिया है और साथ में आज दीपावली का त्योहार भी है इसलिए आपको मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। हो सकता है वैसे आज तो आज दीपावली के अवसर पर क्लास की छुट्टी रहनी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको पीछे के क्वेश्चनों का संडे के दिन आपको मैंने रिवाइज करा दिया। कल आपके लिए जो है एक दिन के लिए क्लास की अपने छुट्टी रखेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास भी जो टेक्निकल टीम होती है अपने, वो भी अपने अपने परिवार के साथ एक दो दिन के लिए घर पर रहती है, इसलिए आपकी वगैरह है कल आपके लिए ये जो क्लास आपको नहीं मिलेगी। तो परसों इसी कड़ी के साथ परसों अपनी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। अभी आज और कल 2 दिनों के लिए अपने परिवार के साथ पूरा आनंद उठाएं, दीपावली पर्व पर बढ़िया तरीके से खुशी के साथ रहें, उसके बाद फिर से आप अपने पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।